कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया ट्रेड लिया आपने। अगला सवाल है रोशन कुमार का, सूरत गुजरात से। रोशन जी बताइए। हेलो सर, मेरा सवाल है आइडिया पे। आइडिया मेरा शेयर है एक 18 के प्राइस पे, एक 4700 शेयर है अच्छा, क्या करना जी। चाहते हो? वो उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए माना जी, आइडिया बहुत लोग है, ये देश का सवाल है, रोशन जी के अलावा भी लाखों लोगों का सवाल है ये कि आइडिया में क्या करना चाहिए। 4700 शेयर ले रखे हैं उन्होंने 18 रुपये के प्राइस पर, अभी तो खेल खेल 16.5 पे चल रहा है, 16.25 पे। क्या राय बनती है इस पे? देखिए, यहां पर करंट लेवल से रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। अगर हम रिस्क की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज जो कि अब 14 रुपए के आसपास हो गया है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए तो 13 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। ये स्टॉक जब भी 19 रुपए 20 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नया मूव देखने को मिलेगा, जिसमें आपको शायद 32 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो नीचे केवल 3-4 रुपए का रिस्क है लेकिन ऊपर की तरफ रिवॉर्ड काफी ज्यादा है, तो उस लिहाज से आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 13 रुपए का आपको डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। 13 पे आए तो क्या और खरीद भी सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, मेरा भी ये समझना है क्योंकि मैं भी टेक्निकली थोड़ा सा बुलिश हूँ मीडियम टर्म चार्ट पे आइडिया में, तो मेरा रिकमेंडेशन तो खरीदारी करने का ही रहेगा लेकिन 13 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है पोजीशन। ओके, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर के टारगेट 30 तक भी हो सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा आपको इस स्टॉक पे, तो इसलिए स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा कि 13 रुपये